this is my YouTube channel and पहले से ही मैंने decide किया था कि हमेशा जब भी मैं कुछ content बनाऊंगी of course I'm going to get in the creative space soon but I wanted to do and I wanted to show you what you guys wanted to see तो मैंने कुछ comments में पढ़ा था कि you want to see my closet my house and stuff like that so I'm going to think about that but I also read another comment which was about wanting to see my perfume collection So that's what I'm going to show you today in this video. Of course, agar aapko ye video pasand aaya, to please ise like kariega, share kariega, and of course, you know what to do, subscribe as well. So let's go for it. परफ्यूम और अच्छी खुशबू मेरी जिंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आई लव इट व्हेन पीपल स्मेल गुड एंड एक ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में आपको पता चलता है आई थिंक द काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस यू वेयर सेज अ लॉट अबाउट योर पर्सनालिटी तो या टुडे आई एम गोना शो यू व्हाट माय काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस आर मुझे ऊद काफ़ी पसंद है ऑफकोर्स कई लोगों को वो ज़्यादा स्ट्रांग लगता है एंड देयर इज अ मिसकंसेप्शन अबाउट ऊद बीइंग ओनली अरबिक इट्स नॉट ट्रू ऊद के काफ़ी चीज़ों से डिराइव होता है जैसे लेदर से भी ऊद आता है एंड आई लाइक सटल वेरियंट्स ऑफ ऊद मुझे ऊद काफ़ी पसंद है लेकिन एकदम ओवरपावरिंग वाले स्मेल नहीं पसंद है So I'll show you some of my favorites, which are also oud. मेरे दिल के बहुत करीब है rose. Rose की fragrances भले ही वो but अच्छे वाले जो एकदम deep smell होती है एक rich smell होती है rose की वो मुझे काफी पसंद है. I'll show you a few of my fragrances जिसमें rose के elements हैं. This is one. It's Armani Privé. Again rose. So is amazing. Of course, मैं बताना चाहूँगी कि ऊद यूजली काफ़ी एक्सपेंसिव रेंजेस में आते हैं कुछ होते हैं जो आपके रीच में यू नो आसानी से हो जाएंगे एंड यू विल नॉट फील कि अच्छा ये तो ज़्यादा एक्सपेंसिव है कुछ ऐसे होते हैं काफ़ी एक्सक्लूसिव होते हैं एंड परफ्यूम्स की रेंज आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही है सो आई थिंक दिस शुड कॉस्ट यू अराउंड 18 or 19,000 रुपीज आई थिंक but this is so worth it. अगर आप ये खुशबू स्मेल कर लेंगे you'll probably go mad. So this is one of my favorites, Armani. This is the exclusive collection which is like the top range. इसीलिए महंगा है लेकिन इसके I think lower variants भी हैं जो आप try कर सकते हैं So this is one of my rose favorite ones. ऊद में अगर मैं आपको बताऊं तो आगे चल के बताऊंगी लेकिन अगर मैं रोज की बात करूं या फ्लॉरी स्मेल्स की बात करूं जो यू नो काफी फ्लोरल होते हैं दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स दिस इज म्यू म्यू अमेजिंग अमेजिंग नॉट वेरी एक्सपेंसिव वेरी अफोर्डेबल एंड इसका स्मेल इज जस्ट लाइक टू डाई फॉर ओके सो दिस इज रोज द अदर रोज दैट आई एम ऑब्सेस्ड विद इज क्लोई क्लोई का ये एक इसमें काफ़ी यही बॉटल में आप धोखा मत खाइएगा यही शेप की बॉटल में काफ़ी वेरिएंट्स हैं काफ़ी अलग अलग फ्रेग्रेंसेस आपको मिलते हैं लेकिन ओह माय गॉड दिस रोज इज जस्ट लाइक अ सटल ज़्यादा ओवरपावरिंग नहीं है ज़्यादा इन योर फेस नहीं है बट एक ब्यूटिफुल फ्लोरल स्मेल है सो दिस इज अमेजिंग गाइज वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड ऑल्सो क्योंकि इसकी बॉटल छोटी है आप इसको अपने पर्स में कब किसी भी साइज के पर्स में डाल सकते हैं बट एज यू कैन सी मोस्ट ऑफ माई कलेक्शन इज काफ़ी बड़े बड़े बॉटल्स क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसे पसंद आ जाते हैं तो मैं बड़ी वाली ले लेती हूँ तो दैट्स रोज दैट्स रोज दैट्स रोज एज ऑफ नाउ दीज आर द वंस और भी है मेरे पास लेकिन वो मेरे फेवरेट्स नहीं है तो मैंने दिखाई नहीं है आपको ऊद की अगर बात करूं देन दिस इज लाइक आई सेड ऊद लेदर के यू नो फॉर्म में भी आता है सो दिस इज ईव सेंट लॉरेंट ओ माय गॉड इट्स ब्रिलियंट इट्स कॉल्ड नोबल लेदर अगेन एक्सपेंसिव आई विल नॉट से कि ये बहुत ही यू नो
पॉकेट फ्रेंडली है, लेकिन ये वर्थ इट है, डेफिनेटली वर्थ इट है. अगर मैं दूसरे ऊद की बात करूँ देन अम्बर, अम्बर इज ऑल्सो अ फॉर्म जहाँ पर आप यू नो यू गेट अ वेरियंट ऑफ ऊद इन इट, एंड दिस इज शोपार्ड. Very light fragrance, lekin it stays for a very long time. Not very expensive, and agar aapko kisi ko gift bhi dena hai, to this is a great option because this stays on your body all day long. Perfumes ki ek baat hai ki agar aap toilet lete hain, to wo thoda lighter hota hai. Agar aap perfume lete hain, to wo zyada thick aur rich hota hai. So always when you're buying perfumes, please make you know, you ask कि ये earth है या perfume है. और of course perfume वाले थोड़े ज़्यादा expensive होंगे because वो thicker form के होते हैं, concentrated form के होते हैं. That's why you feel like इनके body पर perfume इतने लंबे time तक कैसे रहता है, that's the difference. Perfumes that are lighter are you know less expensive. जो thick होते हैं, concentrated form में होते हैं, वो ज़्यादा expensive होते हैं. So I spoke about oud, that's oud, that's oud. Then again, this is also Amber, but this is Gauahar, another brand which is, people also call it Berlin, but it is not French, so I think it's Gauahar. Very nice, very Arabic. Okay, I have to tell you, this and I would say to some extent, even this is Arabic, very Arabic smelling, but that depends on if you like the choice. I love this, this stays for a very long time. काफ़ी कमेंट्स में मैं पढ़ती हूँ कि कुछ नाम आप क्लियरली नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए, तो आई मेक श्योर कि इस वीडियो में ब्रांड्स के नेम नीचे लिखे हुए होंगे, अ फ्यू ऑफ देम एटलीस्ट. मुझे फ्रूटी स्मेल्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट एट ऑल, इट्स ओवरली स्वीट, आई डोंट लाइक इट. लेकिन कोई भी अगर फ्लोरल स्मेल होती है या कुछ यू नो लाइट फ्रेग्रेंस होती है, मुझे पसंद है. सो दिस इज एन एब्सोल्यूट ड्रीम. It's a mess, and it's called Rokaba. Expensive, but very, very good. Very, very good and light, and it stays on your body. And कभी कभी ना मुझे you know the best part about perfumes is कि कभी कभी आपको खुद से इश्क हो जाता है. Just smelling yourself and saying, oh my god, you smell so good. It's true. I love smelling good. Sometimes I feel like, okay, that smells so good. So. Honestly, it's just not about, of course, people have genuine issues with body odor, लेकिन कोशिश करें कि आप deodorants पहने and keep your hygiene clean and then use really good perfumes and your skin will always smell so good. So another brand that I love is Tomford. Tomford की सारी range बहुत पसंद है. इससे भी ज़्यादा एक expensive range आता है जो छोटी quantity में आते हैं but ज़्यादा महंगे होते हैं, बट आई थिंक इट्स नॉट दैट यू ओनली हैव टू गो फॉर दैट. टॉमफोर्ड में काफ़ी रीचेबल रेंज भी है. दिस इज ब्रिलियंट एंड द ग्रेट पार्ट अबाउट टॉमफोर्ड इज दैट इट्स यूनिसेक्स. तो अगर आप ये भी लें या ये भी लें, मोस्ट ऑफ टॉमफोर्ड फ्रेग्रेंसेज आर यूनिसेक्स. सो यू कैन, अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं, आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन इफ यू आर अ मैन एंड इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो. सो दीज आर द परफ्यूम्स दैट यू शुड गो फॉर, टॉमफोर्ड. Then my other favorite brand is Prada. Prada has some amazing perfumes. This one is called Iris. This one is called Iris, and it's amazing. It's light, as you can see. Content से पता चलता है काफी light fragrance है. But this is it's a eau de parfum. It's not toilet, so it's not something कि आप सुबह पहनेंगे और फिर दोपहर में चला जाएगा. It's going to stay on you for the whole day. Then this is, I think everybody knows about it. काफी famous हो गया है आजकल. Every other duty free that you're at, you'll always see इसके ads. It's Giorgio Armani का C, and it's so thick and it lasts. अगर आपके कपड़े अगर आप change भी कर लें अगले दिन भी, तो भी अगर आप वो कपड़ा उठाएंगे तो उसमें भी आपको खुशबू मिलेगी इसकी. It's pretty strong and it's very likeable. बहुत ही ज़्यादा likeable है. A brand that I love for perfumes is Narciso Rodriguez. इनके बहुत सारे वेरियंट्स हैं. इनके एक पिंक बॉटल भी है, एक ब्लैक बॉटल भी है. मेरे पास सब होती थी, बट दिस दिस इज द लिमिटेड एडिशन वाले जो रेंज हैं, जो गोल्ड बॉटल्स में आते हैं. सो दिस इज द अम्बर, अगेन अम्बर मस्क, एंड द
There's another one which is rose. I think it's amber rose. Jiska top red hai, but bottle golden hai. It's brilliant. That one's brilliant. Wo abhi mera khatam ho chuka hai. Now that I'm going, I'm not gonna tell you where I'm going, but I'm going to probably vlog from there. But I'm gonna again stock up my perfumes because I've finished a few of them. This is Dolce & Gabbana. Very strong, very nice, very affordable. It's not expensive at all. कभी भी अगर आप perfume पे देखते हैं ना intense लिखा हुआ, intense हमेशा एक thick, rich fragrance होता है. तो वो आपको शायद ले लेना चाहिए. If you like strong perfumes, you should always go for Noir or intense because they're always the thicker and more stronger variant of the original perfume. This is my recent favorite. पिछले साल जब मैं travel कर रही थी तो मैंने इसका एक You know, they have like 12 or 15 variants of this one. It's Carolina Herrera and I'm sorry. I know this is going to look so funny when I'm doing these crazy things and aapko itni khushbu nahi aa rahi hai, but they are amazing, so they actually make me go. So, very heavy bottle, great perfume and very light on your skin, stays for a very very long time. अगर आप dance कर रहे हैं या अगर आपको पसीना काफी ज़्यादा आ भी रहा है, still I guarantee you this one stays forever because I usually wear this for my rehearsals. You will love this range. इसमें काफी अलग-अलग colours की bottles हैं, blue, green, yellow, red, pink. I like this one. It's called Bergamot Bloom. Bloom and I really like this one. It's one of my favorites. And like I said, Narciso is one of my favorite brands, and this is my latest, which I got for my birthday from my baby Aneri. And this, I must tell you, is very light, very very nice, stays on your body like a fresh fragrance for a very long time. And again, it's a new variant of Narciso. So, अगर आपको एक variety ढूंढनी है किसी brand में, so please do go and check out Narciso. It's a great brand to have perfumes in. And I think and of course, मेरे सारे interviews में जब मुझे लोग पूछते हैं कि which is your favorite perfume, I usually always say Chanel Chance. So I'd like to show you. ये almost खत्म हो चुका है because I use it so much. इसमें भी बहुत सारे variants आते हैं. इसमें एक green liquid आता है, एक pink liquid आता है. The only difference is that it's a thicker form and a lighter form. What this is the perfume, I think. Yeah. And the other one is the Eau de Toilette, and that's lighter. Not very expensive at all, very affordable. Love it, love it, love it. You will never go off Chanel. Chanel is a classic brand for perfumes. Itnis aapne zarur suna hoga Coco Chanel. It's one of the most famous perfume fragrances. But this, my friend, is my favorite, Chanel Chance. So yeah, that's about it. I think kafi sare humne cover kar liye hain, and a lot of people say कि उनके details दीजिए perfumes में. इतने सारे details मैंने दे दिए हैं. अगर आपको brands चाहिए तो आपको description में मिल जाएंगे. Thank you so much for watching and I hope this helped you and I hope that you make कभी-कभी अगर आप ये try कर लें, and if you ever get these perfumes, do tell me how you like them and if you actually like my choice or not. Okay, lots of love. See you soon. Be gorgeous.